सही से मेंटेन करके रख सकते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए अगर आप चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों पावर टिलर वी कंपनी का है एंड यह कंपनी का ट्रैक्टर एंड पावर टिलर एंड मिनी ट्रैक्टर एंड फार्मिंग रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट बनाते हैं ये पावर टिलर की मॉडल अगर की बात अगर मैं करता हूँ तो इसका मॉडल नंबर है एंड पावर टिलर का इंजन के साथ ही आता है दोस्तों आपके पास कोई भी पावर टेलर हो अभी मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उसी तरीके सेम तरीके से आप कोई भी पावर टेलर का मोबिल या इंजिन ऑयल जो है चेंज कर सकते हो दोस्तों एक इंजिन को सही से रन करने के लिए इंजिन ऑयल को सही टाइम पर चेंज करना बहुत ही जरूरी होता है चाहे वो किसी बाइक या कार या किसी भी इंजन को आप देख लो उसमें गियर ऑयल या इंजन ऑयल दोनों को सही टाइम पे चेंज करना चाहिए और वो भी प्रॉपर टाइम में और ये बहुत ही जरूरी होता है हालांकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंजन ऑयल चेंज के बारे में ही बताऊंगा हालांकि गियर ऑयल एक दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों अगर आप पावर टिलर रिलेटेड कोई भी वी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी सारे वीडियो ऑलरेडी पड़ा है चैनल को लेके। आप जाके चेक कर सकते हो एंड अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो दोस्तों अब बात आता है इंजिन ऑयल को आपको कब चेंज करना चाहिए दोस्तों देखिए पावर टिलर में जो इंजन होते हैं वो ज्यादातर 100 घंटे या 120 घंटे मैक्सिमम चलने के बाद जो है चेंज करने के लिए बोला जाता है इंजिन ऑयल चेंज करने के लिए बोला जाता है एंड ये चीजें कंपनी की तरफ से बताया जाता है एंड ये चीजें उसमें यूजर मैनुअल में भी लिखा हुआ रहता है जब आप पावर टिलर नया खरीदते हो एक यूजर मैनुअल एक बुक मिलता है अगर आप एक नए पावर टिलर खरीदोगे तो उसमें टाइम पे सर्विस सेंटर वालों ने आपको जरूर बताएंगे कि इसका इंजिन ऑयल एंड गियर ऑयल सही टाइम पे चेंज करने के लिए एंड दोस्तों ये जो टाइम मैंने बताया ये किसी बारह इंच या तेरह इंच पावर टिलर के ऊपर लागू होता है आप कोई किलोसकार या काम या वीएसटी कोई भी पावर आप उठा लो वो कोई भी कंपनी का पावर टिलर क्यों ना हो दोस्तों कोई भी इंजन आप देख लो उसमें इंजन ऑयल सही टाइम पे चेंज करने का बहुत ही जरूरी होता है इससे इंजन का कैपेसिटी एंड इंजन का लॉन्जिटिविटी बहुत ही ज़्यादा तक टिका रहता है तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये जो मॉडल है वन थर्टी फाइव मॉडल है यानी कि तेरह तेरह दशमलव पाँच एच पी का इंजन है इसमें और ये एक पावर टिलर है और इसके अलावा इसमें बहुत सारी इक्विपमेंट भी है जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो जो भी है मेरे चैनल पे वो सारे डिटेल्स इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं तो इसमें बेसिकली आपको ये रहेगा कि इसमें आपको अभी जो टॉपिक में डिस्कशन करने वाला हूँ इसमें आपको कौ? कौन सा मोबाइल और कितने लीटर का मोबिल और कब आपको चेक करना है तो वो सारी डिटेल मैं आपको अभी बताऊँगा सबसे पहले होता है इसमें दो तरह की मोबिल इसमें यूज़ होता है एक होता है इंजन ऑयल और एक होता है वो जहाँ पे गियर ऑयल होता है मतलब गियर सेक्शन वो होता है और ये होता है इंजन ऑयल गियर सेक्शन को जोड़ने वाला जो काम करता है वो ये करता है यानी कि जो भी बेल्ट करता है गियर सेक्शन को वो यहीं से जोड़ के रखता है गियर सेक्शन फंक्शनलिटी जो है ऐसे होता है और इंजन सेक्शन जो होता है वो कंप्लीटली अलग होता है अगर आप वो बेल्ट खोल दोगे तो इंजन ही घूमेगा इंजन ही चलेगा गियर सेक्शन काम नहीं करेगा यानी कि पहिया वगैरह आपका जो रोटावेटर वगैरह वो कुछ काम नहीं करेगा और गियर वगैरह वो जो काम कुछ कर कुछ नहीं करेगा तो वो अभी मैं गियर ऑयल की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ तो ऑयल सबसे पहले आप कब चेंज करना है देखिए ज़्यादातर किसानों को क्या होता है ना जब नया लाते हैं वो दो के दो घंटे चलने के बाद जो है उसको चेंज करवाते हैं तो इसके अलावा कई कई किसानों जो होते हैं वो चेक नहीं कर पाते हैं कि 200 घंटा कब हुआ क्या हुआ हालांकि वन थर्टी फाइव डी में आवर्स मीटर जो है ऑलरेडी दिया गया है इसमें लेकिन फिर भी इसको कोई मतलब कुछ कुछ लोगों ने जो है इसको नज़रअंदाज़ कर देते हैं मतलब देखते नहीं हैं और उनके लिए मैं बताता हूँ आपको कैसे चेक करना है आपको सबसे पहले ये वाला जो जिसमें ऑयल डालता है उसको निकलना है यहाँ पर एक गेज होता है वो गेज में आपको दिखा दूँगा फ़ोटो साइड में तो वो गेज में आपको चेक करना है ऑयल की क्वालिटी कैसा है मतलब ऑयल अगर बहुत ही काला हो गया है बहुत ही चिपका सा हो गया है तो आपको ऑयल जो है चेंज करना ही करना है नहीं तो इंजन के ऊपर जो है बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा इंजन की लाइफ स्पान जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा और इसके अलावा इसमें एक होता है मतलब दो गेज होता है एक होता है नीचे और एक होता है ऊपर सेक्शन में उसका कारण क्या है कि जब मिनिमम लेवल पे मतलब सबसे कम अगर ऑयल होगा तो भी आपको वो चेंज करना है अगर सबसे मतलब ऊपर लि बिल होगा मतलब इसमें ऑयल रहता है टू पॉइंट फाइव लीटर इससे ज़्यादा नहीं डलवाना है आपको अगर डालोगे तो प्रॉब्लम आएगा हेड पे जब ऑयल चला जाएगा तो दिक्कत आपको आएगा इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी कम्प्लीटली मेस आ, मतलब लिखा गया है टू पॉइंट फाइव लीटर से ज़्यादा मत डालना और इसमें आपको ट्वेंटी फोर्टी का मोबिल रहता है जो कि बाइक वगैरह में जो डलता है वही मोबिल रहता है एस ए फोर्टी तो वही मोबिल इसमें जो है आपको डलना है ज़्यादा मतलब कोई दूसरी कंपनी का मोबिल इसमें नहीं डालना है दूसरी कंपनी का आप चूज़ कर सकते हो लेकिन फोर्टी का ऐसे ही फोर्टी का रहना चाहिए और इसमें टू पॉइंट फाइव लीटर का लेना चाहिए टू पॉइंट फ़ाइव लीटर से ज़्यादा नहीं आपको डालना है तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे चेंज करना है आपको चेंज करने से पहले अगर आपका पावर टले रन होता है मतलब अगर चलता है तो सही है नहीं अगर नहीं चलता है तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है स्टार्ट को पाँच मिनट से ज़्यादा करना है पाँच मिनट से कम का नहीं है क्योंकि पाँच मिनट अगर आप स्टार्ट करोगे तो इंजन थोड़ा सा हीट हो जाएगा हीट होने से जो ऑयल होता है वो पतला हो जाएगा तो पतला होने के कारण आपका ऑयल जो है जो भी सारा इंजन में लगा होगा वो नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आने के बाद जो है आपको जब ड्रेन नट आपको रिमूव कर दोगे ड्रेन नट यहाँ पर होता है देखिए दोस्तों ये होता है ड्रेन नट तो ड्रेन नट्स आप जब निकालोगे तो ड्रेन नट के बाद जो है सारी ऑयल जो है इंजन से निकल आएगा तब भी आपको क्या करना है इसको एक बार सिर्फ जो हैंडल होता है स्टार्ट करने के लिए हैंडल से एक दो बार घुमा देना है ताकि और जो भी ऑयल इसमें इंजन में चिपका हुआ है वो निकल आए उसके बाद जो है अच्छे से ऑयल निकलने के बाद ड्रेन नट को टाइट करके आपको यहाँ पे ऑयल डालना है यहाँ पे 2.5 लीटर ऑयल डालना है और मैंने जो ऑयल इस्तेमाल किया था वो मैंने इस ऑयल इस्तेमाल किया था देखिए दोस्तों ये मैंने गोल्फ का ऑयल इस्तेमाल जो है किया था मैंने ये गोल्फ का मैंने जो है ऑयल इस्तेमाल किया था जो कि तीन लीटर मैंने लाया था इसमें अभी भी 500 400 ग्राम होगा और ये फिफ्टीन वॉट फोर्टी का है तो आप इस इ, इ, इस तरह के ऑयल भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं वो फोर्टी होना चाहिए ट्वेंटी फोर्टी होना चाहिए फिफ्टीन फोर्टी होना चाहिए टेन फोर्टी भी होना चाहिए कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है और जब आप इस ऑयल को डाल दोगे और गेज भी चेक कर लोगे तो इंजन ऑयल का काम खत्म हो गया अभी आपको क्या करना है ना ये जो है एयर फ़िल्टर क्लीन करना है एयर फ़िल्टर में आपको यहाँ पे मोबिल मिलेगा और यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर मिलेगा वो साफ़ करना है और यहाँ पे आपको मोबिल चेक करना है कि बराबर है कि नहीं और वो ख़राब हो गया है तो उसको चेंज करना है तो ये सारी चीज़ें जो है आपको चेंज चेक करना है और आपको बदलना है और इसके अलावा आपको कुलन भी चेक करना है कूलन नबिल में कलन सही है या गलत मतलब कम अगर होगा आपको भरना है अगर ज़्यादा हो गया है तो आपको अगर ड्रेन होने के कारण है तो आप ड्रेन कर सकते हो तो बस ये था कुछ बातें इस बी एस टी के बारे में उम्मीद करता हूँ वीडियो जो आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम है कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय